FRI का जादुई पेड़ भी हमको यहाँ पर देखने को मिल गया। इसके नीचे आके आप जो भी विश मांगोगे ना वो पूरी हो जाती है। 1878 में ये यहाँ पर बना, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पहले नाम था, और 1906 से इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया जो कि हुआ यहाँ पर FRI यानी कि। तो आप लोगों को 6 महीने तक हम ब्लॉग नहीं दे पाएंगे, जेल जाना पड़ेगा और 500 रुपए यहाँ पर जुर्माना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे का एरिया कितना सही लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम जा रहे हैं यहाँ से FRI वाली साइड, तो वहाँ का मैं आप लोगों का भी यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो बस अभी हम यहाँ पर निकले, अभी बस जा ही रहे हैं यहाँ पर से। आज है संडे तो अभी पहले चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं भाई आप लोगों को। फिलहाल तो हम पहुँच गए यहाँ पर घंटाघर, तो यहाँ से करीबन 5 से 8 किलोमीटर की दूरी होगी। बाकी भाई उस एरिया में ना थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है, इस वजह से हमने यहाँ पर जैकेट वगैरह डाल करके आ रखे हैं। तो बाकी भाई आप लोग मेरे पीछे का एरिया यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी हमने यहाँ पीछे में से एंट्री ली और अभी भाई यहाँ पर हम जा ही रहे हैं स्कूटी में बैठ करके। तुझे कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है, देख लो आप सही तरह। भाई हम दोनों निकल गए, आज संडे था ना तो हमने सोचा कहीं घूम करके आते हैं, मज़ा तो आ रहा है इस एरिया में आकर के। और यहाँ पर एक चौराहा था, यहाँ से हम भाई अभी सीधा सीधा आगे को ही जा रहे हैं। तो एक रास्ता यहाँ से लेफ्ट साइड को भी जा रहा था और एक राइट साइड को भी, तो फिलहाल तो हम भाई यहाँ से सीधा आगे को जा रहे हैं, फिर देखते हैं भाई आगे पे कैसा कैसा है, क्योंकि मैं भी ना इस एरिया में पहली बार ही आ रहा हूँ, पहले कहाँ कहाँ घूमने की जगह। इसीलिए ना मैं अंदर यहाँ पर स्कूटी वगैरह लेकर के आ गया था, जिससे जरा हमको पता लग जाए कि कहाँ पर क्या है, तो ऐसे में हमको जरा यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा, बस इसी चक्कर में। पहुंच गए हम यहाँ पर एक और चौराहे पे, और भाई यहाँ पर पता नहीं कितने सारे ये चौराहे आ गए। इस वाले में चले, यहाँ पर एक ग्राउंड आ गया है। ये भाई यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह है, जो कि आप लोगों ने काफी सारी रील या फिर फुटेज वगैरह में देखी होगी, काफी फेमस यहाँ पर बिल्डिंग है, तो इसमें भी चलेंगे अभी, पहले आगे तक घूम करके आते हैं आगे रास्ते से। फिलहाल तो हम अभी यहाँ से आगे को जा रहे हैं, फिर देखते हैं भाई आगे पे क्या क्या है। और इधर पे भाई ये बिल्डिंग वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे पीछे पे, आसपास का एरिया पहले घूम लेते हैं, भ्रमण कर लेते हैं आसपास के एरिया में, उसके बाद फिर एक जगह पे बैठ करके फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे और आप लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। अब हमने यहाँ पर स्कूटी लगा दी है पार्किंग में इधर पे, और अब यहाँ से भाई हम पैदल जा रहे हैं आगे को। चलो भाई आगे का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, चलो आओ चलते हैं भाई। इस जगह को यहाँ पर ना मेंटेन तो काफ़ी अच्छे से कर रखा है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ, हम बैक साइड पे हैं अभी, तो अभी मैं आप लोगों को फ्रंट साइड पे लेकर के चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे का एरिया कितना सही लग रहा है, तो भाई यही देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, पूरा भाई यहाँ से आगे तक इसी टाइप से यहाँ पर बना हुआ है। चलते हैं भाई आगे, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। बाकी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बाकी भाई यहाँ के ना जो हिस्ट्री वगैरह उस बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बताता हूँ। बाकी भाई आसपास का एरिया मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाई रहा हूँ, आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे एक बार नीचे कमेंट करके बताना। बाकी भाई यहाँ पर चारों ओर आप मेरे देख ही रहोगे कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। तो बाकी भाई यहाँ पर लोग ना मतलब ऐसे टहलने को आते हैं, समझ लो अपना घूमने को। और यहाँ पर एंट्री जो फीस है वो यहाँ पर 15 रुपये पर पर्सन है, 15-15, 30 रुपये हमने यहाँ पर दिए, और स्कूटी का यहाँ पर हमको पार्किंग का चार्ज पड़ गया था। तो सारा मतलब ना बाहर पे ही जो मेन गेट है वहीं पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्यूटराइज पर्ची निकाल करके। पहले इसकी फ्रंट साइड में दिखाता हूँ, हम इस वाली साइड से आ रहे हैं तो ये बैक वाली साइड है, इधर ही हमने अपनी स्कूटी वगैरह भी लगा रखी है। अब यहाँ से मैं थोड़ा फ्रंट वाली साइड पर चलता हूँ, फिर वहाँ से भाई इस पूरी बिल्डिंग का मैं आप लोगों को यहाँ पर एरिया दिखाता हूँ। और ये अभी ना हम यहाँ पर मतलब बीच में इसके लॉबी बोल सकते हो आप, तो लॉबी में हमें अभी इसके, और पीछे साइड ना यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है, उधर भी मैं आप लोगों का भी लेकर के चलूंगा, पहले फ्रंट वाली साइड में आप लोगों को एक बार चेक कराता हूँ। ये भाई नहीं, ये फ्रंट है, अब देख वहाँ पर जाएंगे ना, फिर इधर को फ्रंट दिखेगा इसका। अब हम भाई इसके यहाँ पर फ्रंट वाली साइड पे आ गए, दिखाता हूँ आप लोगों को। और आगे भाई ये पूरा यहाँ पर ग्राउंड है इतना बड़ा, यहाँ पर तो हम पहुँच गए। यहाँ पर भी भाई लोगों ने अपनी स्कूटी वगैरह पार्क कर रखी है, हम चाहे तो इधर पे भी लेकर के। ये फ्रंट कैसे हो गया भाई? ये फ्रंट है भाई, हट। हाँ ये फ्रंट वाला एरिया है यार, रुक जा। किधर? उधर। अरे हाँ यार, फ्रंट इधर है, हम गलत साइड आ गए। ये मतलब यहाँ पर इसकी राइट साइड है शायद से। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ये हम यहाँ पर भाई साइड वाली साइड में आ गए, इसकी फ्रंट हम अब जा रहे हैं इसका इधर से। यहाँ पर भाई फ्रंट यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इस वाले एरिया पे इसका फ्रंट। तो अब यहाँ पर चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हम भाई इधर से आए अभी, हमने स्कूटी मतलब उधर साइड पे लगा रखी है, उस वाली साइड में, इसकी पिछले पीछे वाली साइड पे। बैक मतलब इसका ये वाला एरिया है और फ्रंट इसका ये है शायद। भाई अब जा करके पता चलेगा डिटेल में, शायद पीछे का रास्ता है ना, मुझे लग रहा है तो पीछे के रास्ते आए भाई हम। यहाँ पर भाई काफी सारे लोग घूमने के लिए आ रखे हैं। हाँ ये भाई यहाँ पर फ्रंट वाली साइड ये देख रहे होंगे आप। एक बार आप लोगों को ना थोड़ा वहाँ पर लेकर के चलता हूँ, वहाँ से फिर पूरा इस एरिया को हम कवर करेंगे, फिर मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर डिटेल में दिखाता हूँ। भीड़ तो यहाँ पर ठीक ठाक हो रही है यार। बाकी भाई सामने का देखो हिसाब किताब, ये चेक करो भाई, ये रही यहाँ पर पूरी बिल्डिंग। वहाँ पर लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को सेंटर में, फिर वहाँ से दिखाता हूँ। ब्रिटिश के अंडर में हुआ है, उन्होंने बनाया होगा, मतलब ये ब्रिटिश जब यहाँ आए थे इंडिया में उन्होंने तैयार करी होगी ये बिल्डिंग, मुझे भी ऐसी लग रहा है यार।
क्योंकि उसी टाइप के है जैसे जो हाँ थोड़ा मतलब जो इनका पैटर्न है ना डिजाइन बना मतलब जो इसका डिजाइन बना हुआ है थोड़ा उसी टाइप से। तो भैया यहाँ पर हम अभी इस वाली साइड को जा रहे हैं जबकि आना था इस वाली साइड से, हम इधर को अभी जा रहे हैं यहाँ पर घूमने को क्योंकि ये वाली साइड तो हमने देखी नहीं। बाकी भाई यहाँ पर ही कितने अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं ये चीज़ें, यहाँ पर काफ़ी प्यारी लग रही है मुझे और लोग भाई यहाँ पर अपना इंजॉय करने के लिए आ रखे मेन आते इसलिए यहाँ पर। बाकी भाई देखो भाई फूल पत्तों की फोटो लेने लग गया यहाँ पर, वो क्या कर रहा है इनका, बस भाई बस। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस जगह की यहाँ पर क्या कहानी है। ये जो बिल्डिंग है ना ये यहाँ पर फॉरेस्ट स्कूल बन रखा है, 1878 में ये यहाँ पर बना था यानी कि 1878 में ये यहाँ पर बिल्डिंग रेडी हुई थी। तो ये यहाँ पर एक फॉरेस्ट स्कूल के तौर पर यहाँ पर बनाया था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पहले नाम था और 1906 से इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया जो कि हुआ यहाँ पर FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम इसका यहाँ पर चेंज हो गया था। तो सीधा सीधा मैं आप लोगों से अगर यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर आप लोगों को फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। यहाँ पर इसके और जगह भी यहाँ पर सेंटर खुल गए ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर ये सब ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। और बाकी तो क्या ही है, अब तो यहाँ पर लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, मेन काम लोगों का भी यहाँ पर यही है, कोई यहाँ पर रील बना रहा है कोई यहाँ पर फोटो खींच रहा है। अब यहाँ पर भाई ट्रेनिंग कम मिलती है और फोटो खींचने के लिए लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पर, बस यही है मेन इसकी यहाँ की हिस्ट्री। चलो जी अब यहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया, अब बाकी का एरिया मैं आप लोगों को यहाँ पर घुमा करके लाता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई आसपास में किस किस टाइप का। ये वाला एरिया लगभग हमने यहाँ पर कवर कर ही लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट वाली लोकेशन में, फिर वहाँ पर का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा रहने वाला है। पूरे एरिया में ऐसी है, बाकी हम अच्छी अच्छी लोकेशन यहाँ पर आप लोगों को चेक करा रहे हैं कि आप लोग भी चाहो तो यहाँ पर अपना शूटिंग वगैरह के लिए आ सकते हो, उसके लिए बस यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बाहर पे। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में, ले लिया हमने एक नई लोकेशन, अब यहाँ पर बैठे हुए पेड़ के छाव में क्योंकि वहाँ पर हम बैठे हुए थे ना वहाँ पर काफी तेज धूप लग रही थी, थोड़ी देर यहाँ पर आकर के हम बैठ गए। यहाँ पर अच्छा तो लग रहा है, मौसम भी यहाँ पर ठीक हो गया, हल्के फुल्के यहाँ पर बादल वगैरह लग गए। बिल्कुल सामने पे हमारे ये बिल्डिंग वगैरह आप लोगों को पाँव दिख रहे थे नीचे, ये भाई ये बिल्डिंग वगैरह दिख रही होगी आप लोगों को सामने पे। आसपास का एरिया तो काफी बढ़िया है यहाँ पर, मतलब फोटोजेनिक वाला एरिया, यहाँ पर आप लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवाने आ सकते हो। प्रॉपर जो होता है ना कि बड़े बड़े कैमरे लेके शूटिंग करने के लिए वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर साफ साफ चेतावनी भी लिखी हुई है। ये देख लो भाई कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो रही है, चारों तरफ आप लोगों को लोग ही लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये देख लो भाई पूरा इस साइड तक सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं भाई। फिलहाल हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि इस वाली साइड को यहाँ पर जाएं या फिर इस वाली साइड को यहाँ पर जाएं, इधर जाना बता ठीक है। चलो भाई इधर ही चलते हैं भाई, देखो FRI का जादुई पेड़ भी हमको यहाँ पर देखने को मिल गया, इसके नीचे आके आप जो भी विश मांगोगे ना वो पूरी हो जाती है, ऐसा है इसका राज। और अगर आपने कुछ पाप कर रखे हैं तो आप इसके अंदर समा जाएंगे। तो भाई काफी सारी यहाँ पर मान्यताएं हैं जो मैं बना रहा हूँ नई नई, बाकी भाई इसमें ना आप लोग धागे वगैरह बांध करके और अपनी विश यहाँ पर मांग सकते हो। तो भैया कुछ ऐसे यहाँ पर सीन है, बाकी भाई आकर के तो यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। चलो जी अब हम उधर साइड जाने लगे, तो इस वाली साइड तो इधर का दिखाता हूँ मैं यहाँ पर भाई, ये पता नहीं क्यों नहीं जान दे रहे, बंदर वगैरह होंगे वो काटने के लिए आते होंगे ना इस चक्कर पे। तो अब यहाँ से भाई निकलते हैं सीधा आगे के लिए, इधर ही पे हमने भाई अपनी स्कूटी वगैरह पार कर रखी है इस वाली साइड को, यहाँ पर इधर वाली साइड को, और यहाँ से गए थे हम अभी अंदर को इस वाली साइड और वापस हम इधर ही पे वापस आ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज मौसम भी ना मतलब जब हम घूमने निकलते हैं परफेक्ट मौसम हो जाता है घूमने लायक, आजकल ये चीज सही है। मैंने भी इधर ही पे लगा रखी है स्कूटी, अभी स्कूटी को निकालते हैं और पूरा एक राउंड मार के आते हैं आगे तक का कि आगे पे क्या क्या है, क्योंकि हम ना अभी डायरेक्ट इधर ही पे आ गए थे, अब थोड़ा आसपास का एरिया भी चेक करते हैं। यहाँ पर चलते हैं स्कूटी में बैठ करके और आसपास का एरिया देखते हैं बाकी क्या क्या है यहाँ पर। मेन जो बिल्डिंग थी उसमें हम यहाँ पर घूम लिया काफी देर, यहाँ पर फोटोज खिंचा ली और आप लोगों के साथ यहाँ पर ब्लॉगिंग वगैरह कर ली इधर वाले एरिया को यहाँ पर देखने के लिए। इस वाली साइड से तो हम आए थे, यहाँ पर हम गए थे अभी, तो ये दोनों साइड तो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, अब हम जाएंगे इस वाली साइड पे। एरिया तो बढ़िया ही लग रहा है इधर का भी, तो अब एक बार चलते हैं फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी वैसे है तो पूरा ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। इस वाली साइड को चलते हैं और इधर साइड पे देखते हैं, यहाँ से राइट साइड को मैं टर्न हो गया और यहाँ से भाई एरिया भी काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है आगे का। यहाँ पर ना मतलब आप लोगों के पास अगर टू व्हीलर है तो उसमें घूमने में ज्यादा फायदा है क्योंकि आप लोग ना यहाँ पर मतलब आराम से पूरा एरिया देख पाओगे चारों तरफ का। ये देख लो भाई इधर पे कितने, ये पूरा घना जंगल है इस साइड पे मेरे, इधर पे ये FRI वाली बिल्डिंग मेरे पीछे पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो भाई ये भी यहाँ पर ना मतलब एक देहरादून का यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो इस जगह को आप यहाँ पर बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन देहरादून बोल सकते हो। बाकी भाई मैं आप लोगों को भी यहाँ पर आना रिकमेंड करता हूँ क्योंकि काफी बढ़िया जगह है, यहाँ पर घूमने लायक तो काफी सही है। मेन तो यहाँ पर लोग ना घूमने के पर्पज से आते हैं। देखो भाई यहाँ पर ना पूरा कितना घना जंगल है और काफी बढ़िया लग रहा है मुझे तो इधर, ये देख लो वृक्ष वाटिका
वृक्ष वाटिका है ये, वृक्ष वाटिका लिखा हुआ, बांस वाटिका यहाँ, अच्छा बांस वाटिका, अच्छा यहाँ जगह को ना यहाँ पर डिवाइड कर रखा अलग अलग उसमें, तो ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर बांस वाटिका लिखा हुआ है, यहाँ पर बैम्बू के पेड़ लगे हुए हैं ये इस वाली साइड पे, ऐसे ना यहाँ पर अलग अलग बना रखे हैं। इस वाले ग्राउंड में तो हम अभी तक यहाँ पर बैठे हुए थे, यार हम जहाँ पर भी जा रहे हैं चौराहे आ जा रहे हैं, 100 मीटर चल रहे हैं फिर चौराहा आ जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पर भाई ये तो पजल जैसा हो गया, हम कहीं खो ना जाए इसमें भयंकर की। चतुर्वेदी रोड में पहुंच गए हम, चतुर्वेदी रोड इधर है यार, इस वाली साइड पे यहाँ पर चतुर्वेदी रोड, ये कैनिंग रोड इधर हो गई। एक बार थोड़ा यहाँ पर जायजा ले लेंगे जगह का, कौन कौन सी जगह है क्या क्या है, और आप लोगों में से ना जो इस एरिया में आ रखे हैं वो एक बार मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताना यहाँ पर सबसे बेस्ट जगह आप लोगों को यहाँ पर कौन सी लगी। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, ये भाई यहाँ पर लाइब्रेरी, ये आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ पर ना स्कूल के ग्रुप वगैरह भी आते हैं, उनको ना यहाँ पर दिखाने के लिए लाते हैं, स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं जो बड़े बड़े, उनके यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं। और आप लोग भी इस एरिया में आते हो ना तो यहाँ पर आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोग यहाँ पर ना नेचर से कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को। बाकी भाई एरिया तो बहुत शांत एरिया है, मैं यहाँ पर अच्छे से व्लॉगिंग वगैरह कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और नेचर में जितनी सारी चीजें होती है ना वो सारा यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोगों को चिड़ियाओं की आवाजें आएंगी, इंग्लिश में बर्ड की यहाँ पर आवाज आएगी। ओ गुलदार से सावधान, सच में? हाँ भाई, भाई साहब गुलदार भी आते हैं यार इधर, थोड़ा सा भाई बच के चलना पड़ेगा। यहाँ पर तू क्या बता रहे, जगह किसके लिए है ये? बढ़िया लोगों के लिए, बढ़िया घूमने के लिए। पर किन लोगों के लिए बढ़िया? लोगों के लिए भाई, किस टाइप के लोगों के लिए? इस टाइप के लोगों के लिए कि जैसे आपको आना है आओ यहाँ बैठो बातचीत करो, हाँ मजे करो, और फिर शाम को घर निकल जाओ। पर आओ किसके साथ? आओ भाई जिनके साथ तुम आना चाहते हो, लड़कों के साथ आओ, लड़कियों के साथ आओ, आओ ना आप, लड़कियों के साथ भी आ सकते हो यहाँ। अच्छा, लड़कों के साथ भी तो मतलब ये कुल मिला के बोलना चाह रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर लड़कियों के साथ आने वाला है भाई, ये देखो हमारा बात को यार दिख जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ यार बस गुलदार देख रहे हैं हम, एक बार बस गुलदार दिख जाए फिर मजा आ जाएगा। सही बोल रहे हैं, हम गुलदार की तलाश में निकले हैं यहाँ पर, ये समझ लो। तो चलिए जी, काफी देर यहाँ पर घूम लिए, अब निकलते हैं भाई बाहर की ओर। लगभग हमने पूरा एरिया कवर कर लिया, उस साइड में हम यहाँ पर चले गए। अब हम यहाँ पर वापस से भाई मेन रोड पे आ गए, मतलब जहाँ से हमने एंट्री ली थी उस वाली रोड पे हम आ गए। अब यहाँ से निकलते हैं वापस बाहर की ओर। तो ये आ गए हम यहाँ पर वापस चौराहे पे, चौराहे से इधर भी चलते हैं, इधर तो हम गए नहीं, इस वाली रोड पे जाएंगे अब हम। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बहुत भयंकर वाले घने जंगल में जा रहे हैं। सावधान, आरक्षित वन क्षेत्र, आगे प्रवेश वर्जित है, धारा 26 डी लग जाएगी, 6 महीने तक का कारावास। इधर नहीं जा सकते भाई, 6 महीने या तो आप लोगों को ब्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम यहाँ से अंदर को जाते ना तो आप लोगों को 6 महीने तक हम ब्लॉग नहीं दे पाएंगे, फिर हमको यहाँ से जेल जाना पड़ेगा और 500 रुपए यहाँ पर जुर्माना। इससे बढ़िया हम यहाँ से घूम जाते हैं। वैसे किसी को 6 महीने का यहाँ पर हॉलीडे पैकेज लेना है तो वो जा सकता है इस वाली रोड पे, तो उसके लिए तो काफी बढ़िया रहेगा ये, 500 रुपए की हॉलीडे ट्रिप हो जाएगी। हाँ हाँ, 500 रुपए में आप बुक कर सकते हो, पर इस वाली रोड में तो जा सकते हो आप। यहाँ से हम जाएंगे अब IMA वाली साइड को, गोल्फ कोर्स। ओहो अच्छा, ये अमीरों के चोचले हैं इधर। चलो भाई देखते हैं इधर क्या क्या सीन है। IMA में पहुंच गए यार हम यहाँ। हाँ अच्छा, यहाँ पर गोल्फ वगैरह का है, दिख गया मुझे यार। अबे गोल्फ का ये देखिए, देख इसके ऊपर रखते होंगे ना बॉल, ये दिख रहा है, ये देखिए पहाड़ सा बना रखा है। नो फोटोग्राफी इनसाइड गोल्फ कोर्स। तो फाइनली भाई यहाँ पर हम बाहर तो आ गए, वाले गेट से हमने अभी यहाँ पर एंट्री ली थी, गेट तो शायद दिख नहीं रहा यहाँ पर से, पर यहीं पर है गेट, यहाँ से हमने एंट्री ली थी। अब हम यहाँ मेन रोड पे आ गए, थोड़ा यहाँ पर कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। पर खा लिया पी लिया, अब निकलते हैं यहाँ से आगे। चलो जी हम निकलते हैं यहाँ पर से। चलती है गाड़ी, पौड़ी से लड़का मैं छोरा पहाड़ी, दिल से हूँ लिखता जो भी मैं गाता, बातें सच्ची बोलूं मैं सारी। युग बारा की चलती है गाड़ी।